डियर स्टूडेंट्स, आज दिन भर का 24 घंटे का एक नया रूटीन आपको मिलेगा। आप अपने स्तर पे जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, आप उसे कंटिन्यू करते रहें, लेकिन साथ में अगर संभव हो तो आप ये भी कर लें। 4 नए टॉपिक्स, ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको बनाने हैं, इसे आपको करना चाहिए 24 घंटे के अंदर। लेकिन कल आपने पूरी रात आपने पढ़ाई की, काफ़ी लोगों ने अपना डिवोट किया है टाइम स्टडी पे, कल आपको मौरी काल दिया गया था। हम सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस जानना चाहेंगे, क्या आपने ऐसे पढ़ा? जैसे कि ताम्रलिप्ति, सोपारा, ये बंदरगाह मौर्य काल में कहाँ थे? मौर्य काल में भाग क्या था? अदेव मात्रक कैसी भूमि थी? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के को मौर्य काल में क्या कहते थे? भू राजस्व की दर क्या थी? अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए, जिस पीलर पे खुदवाए, ये पीलर, ये पत्थर कहाँ से आता था? ये किस प्रकार का पत्थर था? तो ये सब आपको करना। अशोक ने एक नया शहर बसाया था, ये कौन सा शहर था, उसका नाम आपको बताना चाहिए। ये सब मौर्य काल में, और भी बहुत कुछ है। सुदर्शन झील, ये कहाँ था? तो ये सब आपको करने चाहिए। हमारा बस चलता तो हम इस पर आपका टेस्ट रेगुलर लेते हैं, लेकिन टाइम एकदम नहीं मिलता, समस्याएँ हैं, लेकिन आप ये सब करें। अब आज का जो आपका टॉपिक है, उसमें मौर्य काल आपने किया, अब आप गुप्त काल करेंगे। नोट डाउन आप कर लें, जब भी आप आएँ तो एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर अपने पास रखें, ताकि आप नोट कर लें। हिस्ट्री में आपको एंशंट हिस्ट्री में गुप्त काल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 टॉपिक्स आप कर चुके हैं, 2 और मौर्य काल हो गया, आज गुप्त काल। गुप्त काल में आपको ऐसा पढ़ना है कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बच जाए, ऐसा नहीं कि अभी भी बचा रह गया पढ़ाई, ये नहीं होना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव जो भी आपके पास बुक्स हैं, जिस भी तरह का है, देखिए घटना चक्र काफ़ी लोगों के पास है, ये अच्छी बात है, लेकिन घटना चक्र सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का हल है, तो फिर कैसे होगा? जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे कौन करेगा? तो इसे आप समझें, इसलिए हमने लूसेंट बताया। हालांकि लूसेंट भी सफिशियंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास तो यही होगा, या फिर क्राउन की ऑब्जेक्टिव है, या जो भी ऑब्जेक्टिव, अगर अच्छे ऑब्जेक्टिव है, दृष्टि का है, बहुत अच्छा, दृष्टि की बुक्स आती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन जो भी आपके पास है जिसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उससे बनाएं, और नहीं तो लूसेंट और क्राउन से आप ऑब्जेक्टिव उससे बनाएं टॉपिक वाइज। तो गुप्त काल आपको करना है। गुप्त काल देखिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है, ये कल्चरल हेरिटेज का टाइम है, कल्चरल डेवलपमेंट का टाइम है। तो क्या क्या है? नचना कोठरा, ये मंदिर कहाँ था? शिव का मंदिर, दशावतार मंदिर, ये सब कहाँ है? पार्वती का मंदिर कहाँ था? उसका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, रामगुप्त की क्या कथा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्या वहाँ पर महत्ता है? तो ये सब आप करने का प्रयास करेंगे। गुप्त काल में ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरा एक टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। आप ऑब्जेक्टिव में जब बनाएंगे तो ये सारी बातें आ जाएंगी निकल कर, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आप इससे बनाएं। हिस्ट्री में गुप्त काल, साइंस में 2 टॉपिक आपको हम दे रहे हैं, थोड़ा सा आप हिम्मत करके कर लें। एक आप साइंस में, फिजिक्स में लाइट कर लें, लाइट को आप कर लें, ऑब्जेक्टिव करना है, पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, अब डायरेक्ट आपको फैक्ट्स जानना है, तो लाइट आप कर लें। कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है लाइट में, देखिए बहुत सारा, जितना आप लेंस करना है, दृष्टि दोष करना है, छड़ी क्यों पानी में टेढ़ी हो जाती है, आप डिटेल्स करें, कार का हेडलाइट किसका बना होता है, तो ये सब आप लाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये करें। पूर्णांतरिक परावर्तन, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, डिटेल्स बड़ा अच्छा है। अस्पष्ट दृष्टि के लिए कितना मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो लाइट आप करें, ये सब फैक्ट्स निकल कर आ जाएंगे। और बायोलॉजी में जैव विकास, इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विकास और वंश गति का सिद्धांत, ये आप कर लें, यानी हेरिडिटरी आप करेंगे और इवोल्यूशन कर लेंगे, तो वंश गति का नियम कर लें और इवोल्यूशन जैव विकास कर लें। ये 2 टॉपिक बायोलॉजी से हो गया, एक फिजिक्स से हो गया, एक हिस्ट्री से हो गया, और एक एडिशनल एक्सट्रीमली सॉरी। आप करेंट में, हमने कहा कि हम लोग अगस्त के बाद सितंबर कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें, हमने कहा कि मैगजीन का हम करेंगे, सितंबर के मैगजीन का, और मैगजीन में
डेढ़ से दो महीने पीछे का कंटेंट होता है। तो इस बात को आप समझें, अगर यूट्यूब पे आप कर रहे हैं, आप नेट से लेंगे तो सितंबर नहीं तब जुलाई का आपको खोजना होगा, तब जुलाई मंथ। आप यूट्यूब या नेट पे जब पढ़ेंगे तो जुलाई मंथ का आप करेंट अफेयर्स करेंगे, और अगर मैगजीन पढ़ रहे हैं तो सितंबर महीने का मैगजीन आपको पढ़ना है। ध्यान से, अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो सितंबर महीने का मैगजीन पढ़ना है, और इस सितंबर महीने के मैगजीन के कंटेंट को नेट से अगर आप खोज रहे हैं तो आपको जुलाई मंथ का नेट पे सर्च करना होगा करेंट अफेयर्स। तो ये आप कर लें, इस पे हम लोग सेट भी बनाएंगे, हमारा सेट आएगा, हम आपका टेस्ट ले लेंगे कि आपने कैसे पढ़ा है। अच्छा है, कम से कम ये आप समझेंगे कि ये छूट रहा था, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। दूसरा कि ये जो अभी एक आपका पिछला एपिसोड जो आया, जो बीपीएससी के क्वेश्चंस का था, 30 क्वेश्चंस का एपिसोड आ चुका है, दूसरा एपिसोड अगेन 30 क्वेश्चंस का एक और आएगा बहुत जल्द। आप इतना करें, हम लोग मिलकर चलेंगे इस एग्ज़ाम को अच्छे से कम अपना बेस्ट अपीयरेंस देना है। रिजल्ट ना होना अपनी जगह पे है, हम अपना काम कर देंगे, और जब अच्छा काम करेंगे तो अच्छे नतीजे भी आएंगे। तो इतना आप करें, इसमें लेम एक्सक्यूज ना छोड़ें आप, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, इसे आप कंप्लीट करें, ठीक है। अपना ध्यान रखें और लेबर करते रहें, 20-22 दिन मेहनत करना है, उसके बाद उम्मीद है कि बहुत अच्छे नतीजे आ सकते हैं। टेक केयर।